नमस्कार, मायमाउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं शेख इस्माइल। दर्शकों, हम अभी इस वक्त बेला मंडल के सिरसना गांव में आए हैं। अभी अवैध रूप से जो शराब के अड्डे चल रहे हैं बेला मंडल में, काफ़ी सारे चल रहे हैं। अभी सिरसना गांव में आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये अवैध रूप से जो शराब का अड्डा है वो चल रहा है। देखिए, ये 7 लाख रुपए में हर्रास हुआ, इसमें पुलिस अधिकारी से लेकर तो अबकारी विभाग तक इसकी जो इसका जो है हफ्ता पहुंचता है। तो शुभ, हमारे बताने का बोलने का मकसद यही है, गांव में दूध की दुकान किराना दुकान कम मिलेंगे, गांव में मेडिकल्स कम मिलेंगे, मेडिकल की दुकान कम मिलेंगे, लेकिन शराब की दुकान ज़्यादातर दिखाई दे रही है। अभी दर्शकों, ये शराब की दुकान यानी जो नशा करने की जो आज़ादी है वो किसी को भी नहीं छोड़ रही है। देखिए, ना मस्जिद देख रहे हैं, ना मंदिर देख रहे हैं, ना स्कूल देख रहे हैं। थोड़ी दूरी पर भी या नज़दीक भी आप देख सकते हैं कि मेरे पास बाजू में एक मस्जिद है और ये मस्जिद के बाजू में ही शराब की दुकान है, यानी शराब का अवैध रूप से चल रहा है ये अड्डा है। इसके अंदर रात के ये जो शराब के अड्डे हैं अवैध रूप से चलने वाले, इसके रात के 12 बजे भी आपको यहाँ पर शराब मिलती है। देखिए, इस शराब के कारण लोग दिन ब दिन शराब पीकर कई सारे मौतें हो चुकी है और शराब के कई सारे अपघात भी हो चुके हैं शराब की वजह से और इन बेल्ट शॉपों की वजह से। अभी दूसरी बात, छोटे बच्चे भी शराब के दिन ब दिन आदि बनते जा रहे हैं। इन शराब के अड्डों को रोकने वाला कोई भी नहीं है और इन लोगों को पूरी तरह से आज़ादी मिल रही है। अभी आगे पूरे बेला मंडल के अंदर हम आपको आगे भी विजुअल बताएंगे किस तरह से ये अड्डे और भी ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं और हर जगह जहां पर भी नज़र जाती है तो हर जगह शराब के अड्डे दिखते हैं। अभी इसमें कई सारे शराब के वजह से यानी इन बेल्ट शॉपों की वजह से कई सारों की मौत हो गई और बच्चे, युवा बच्चे और जो रोज़गार करने वाले हैं वो शराब पीकर घर में रह रहे हैं और घर में झगड़े लपड़े टंटे सभी तरह से चल रहे हैं। सरपंच